The question is given here, equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of oxygen escape in the time required for one half of the hydrogen to escape? In this time period mein hydrogen escape hota hai half amount, us time period mein oxygen ka kitna fraction escape hua? तो पहले हम ये निकाल लें कि ऑक्सीजन कितने मोल एस्केप हुए, फिर उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आप देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या जैसे आप ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहें लिख सकते हैं। R1 upon R2 is equal to N1 upon N2 under root M2 upon M1। ये फॉर्मूला होता है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ये इनिशियल मोल रेशियो होता है, और इनिशियल मोल रेशियो इक्वल बोला गया है। आप देख सकते हैं यहां पर इक्वल मोल्स बोले गए हैं, तो ये N1 upon N2 की वैल्यू सेम होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अंडर रूट M2 upon M1। चलो मैं बता देता हूं, यहां पर रेट को हम मोल्स अपॉन टाइम या वॉल्यूम अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मतलब यह कि कोई गैस है कंटेनर में, वो एलिमिनेट हुई, तो कितने मोल्स पर यूनिट टाइम में एग्जिट हुए, या कितना वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट टाइम में एग्जिट हुआ। तो आप देखो यहां पर मान लो एन डैश एग्जिट हुए, तो एन डैश इन टी टाइम या वी वॉल्यूम एग्जिट इन टी टाइम। तो अभी मोल्स की टर्म में बात की जा रही है, दैट्स व्हाई यहां पर हम लिख सकते थे N1 डैश अपॉन टी, और यहां लिख सकते थे N2 डैश अपॉन टी। टी से टी कट जाएगा, टी सेम क्यों रखना है, क्योंकि सेम टाइम में बात की गई है यहां पर, इसलिए टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा N1 डैश अपॉन N2 डैश इक्वल टू N1 अपॉन N2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। डिफरेंस सुन लो, ये वो मोल्स हैं जो इनिशियली कंटेनर प्रेजेंट थे, ये वो हैं जो एस्केप हुए या इफ्यूज हुए या डिफ्यूजन हुआ। अब आप यहां पर देखो, मैंने इसे O2 के रिस्पेक्ट में और H2 के रिस्पेक्ट में लिख दिया। 1 का मतलब O2 मान लो, 2 का मतलब H2 मान लो, तो ये हो गया मोल्स ऑफ O2 डैश अपॉन मोल्स ऑफ H2 डैश इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 अंडर रूट H2 मोलर मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। इनिशियली बोला गया है कि दोनों के मोल सेम है, यानी मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू N, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। हाइड्रोजन कितना एस्केप हो गया, हाफ, यानी कि जो N डैश H2 है इसकी वैल्यू होगी N/2, क्योंकि ये आधा चला गया। तो हमें निकालना ये वैल्यू कि ये कितना एस्केप हुआ, तो हम निकाल सकते हैं N डैश O2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। सॉल्व किया तो N डैश O2 अपॉन N/2 इज इक्वल टू 1/4। ये कैसे आ गया, 2/32 को सॉल्व किया तो ये 1/16 बचा, 1/16 स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो N डैश O2 इज इक्वल टू आ गया N/8। इसका मतलब ये इतने मोल्स ऑफ O2 एस्केप हुए। अब उसने पूछा है कितना फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप हुआ फ्रैक्शन के टर्म में, तो इनिशियली ऑक्सीजन के मोल्स थे कितने, N मोल्स, और एस्केप कितने हुए, N/8। तो फ्रैक्शन कितना एस्केप हुआ, तो N/8 डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू 1/8, इतना फ्रैक्शन एस्केप हुआ। आंसर होगा आपका 1/8।